देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला ये एडवर्टाइज था, जिसमें कि एक गोद भराई की रस्म हमारे हिंदू समाज की बच्ची मुस्लिम समाज के यहाँ जाकर और गोद भराई की रस्म अदायगी कर रही है। कहीं ना कहीं इसमें भी हमको लव जिहाद की बू नज़र आती है। मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि हमारे को सिर्फ जो है व्यवसायिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि एक सहनशील समाज है। पिछले बार आपने देखा कि होली पे सर्फ एक्सेल का एक एड आया था, जिसमें कहा गया कि दाग अच्छे हैं। उसमें भी इसी प्रकार से जब विरोध हुआ, हम लोगों के द्वारा विरोध किया गया, तो उस एड को हटाया गया। लेकिन हमारा कहना यह है कि इस प्रकार के एडवर्टाइज बनाए क्यों जाते हैं? इस प्रकार के एडवर्टाइज अगर बनाए जाएंगे तो हिंदू समाज इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हिंदू समाज ने इस सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के आप लोगों के माध्यम से 2700 करोड़ रुपए का नुकसान जो है तनिष्क को हुआ है। और आने वाले समय में हम आपके चैनलों के माध्यम से ये भी मांग कर रहे हैं कि तनिष्क के सभी प्रोजेक्टों को, सारी ज्वेलरी का बहिष्कार हिंदू समाज करेगा। और हम संस्कृति बचाओ मंच के लोग ये मांग करते हैं कि दीपावली और दुर्गा, आज देखिए आज प्रदोष का दिन है, अधिक मास चल रहा है, आज के दिन ज्वेलरी शॉपों पर आप देखेंगे तो भीड़ होगी, लेकिन यहाँ पर मक्खी भी जो है नहीं भिनभिना रही। उसका कारण सिर्फ हम लोगों की जागरूकता है। अगर इनने माफी नामा नहीं जारी किया और माफी अगर चैनलों के माध्यम से नहीं मांगी, तो हम इसका सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहिष्कार करेंगे, इनके खिलाफ FIR कराएंगे, और होगा तो कोर्ट भी जाने का